100 दिन पूरे हो चुके थे। पसीने में शरारभूर एक शख्स कंटेनर पर खड़ा हाथ हिला रहा था और नीचे लोग उस शख्स की एक झलक देखने के लिए कंटेनर के इर्द गिर्द शहद की मक्खियों की तरह जमा थे। ये 100 दिन उन तमाम लोगों के साथ साथ उस शख्स पर कैसे गुजरे, ये अब तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। क्रिकेट के मैदानों में दौड़ने वाला एक ऐसा खिलाड़ी जिसने एक कमजोर और हारी हुई टीम को मुत्तहिद करके न सिर्फ दुनियाई क्रिकेट के सफे अव्वल की क्रिकेट टीमों पर आलमी मुकाबलों में सबकत दिलवाई, बल्कि अपनी पाक कौम में एक नया जज्बा और वलवला भी पैदा किया कि वो अक्वामे आलम में दूसरी कौमों से किसी तौर पर कम नहीं। ये दूरअंदेश शख्स अच्छी तरह जानता था कि आलमी कप जीतकर उसने किस सिमत जाना है। यही वजह थी कि आलमी कप की इफ्तिताही तकरीब में उसने इशारा दिया था कि इस वर्ल्ड कप का सफर बहुत लंबा होगा। उनके ये अल्फाज तारीख के औराकों ने अपने वजूद में जज्ब कर लिए और फिर देखने वालों ने देखा कि उस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप से कैंसर अस्पताल तक का सफर तय किया। हालांकि उस वक्त के बड़े बड़े माहरीन ने उन्हें मशवरा दिया था कि इस किस्म का अस्पताल बनाना उनके लिए नामुमकिन है। ये नामुमकिन बाद में इस मजबूत कुव्वत इरादी वाले खिलाड़ी ने मुमकिन बना दी और कैंसर अस्पताल बन गया। इस खिलाड़ी की टांगें खींचने वालों और उन पर तनकीद करने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। दो दिन पहले मैंने टीवी पर आलमी कप जीतने वाले इस चुस्त तवाना खिलाड़ी को एक ऐसे बूढ़े शख्स के रूप में अपनी कौम से खिताब करते हुए देखा जिसे 22 साल तक मसलसल इस कौम के बेरहम हुक्मरानों ने तोड़ने के लिए गैर अखलाकी हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन आज कामयाबी की इतनी ऊंचाई पर आकर भी इस खुदा के बंदे ने अपने एक जुमले में उन तमाम कौमी मुजरिमों को न सिर्फ माफ कर दिया बल्कि उनके तमाम तहफ़ुज़ात दूर करने के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई। टीवी पर ये मनासिर देखकर बे इख्तियार मेरी आंखों में आंसू के दो कतरे झिलमिलाने लगे और मुझे फतेह मक्का का वो वाकया याद आया कि जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने कफ्फार दुश्मनों को माफ कर दिया था। बात यहां तक नहीं रुकी बल्कि इस इंसान ने कौम से अपने खिताब में जुबान से एक ऐसी बात निकाल दी जिसने पूरे मगरिब पर सन्नाटा तारी करने के साथ साथ वतन अजीज के तमाम मजहबी जमातों को भी हिला कर रख दिया। ये बात मदीना की फलाही रियासत बनाने की थी। बोलने में तो ये जुमले कुछ सेकंड में जुबान से अदा हुए, लेकिन ये वतन अजीज की तारीख में पहली बार एक मुसलमान हुक्मरान की जुबान से अदा हुए। हालांकि वक्त के जालिम हुक्मरानों ने इन्हें यहूदी एजेंट साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस अजीम इंसान को मालूम नहीं कितनों ने कहां कहां किस कदर तकलीफें पहुंचाई होंगी, लेकिन सिर्फ एक वजूद को इस गोहरे नायाब को खोने का एहसास हुआ, यानी जमाइमा, जिसने बाद में न सिर्फ इस अजीम इंसान की मरहम पट्टी की बल्कि हर मुश्किल मोड़ पर इनके लिए सहारा भी बनी रही। एक तरफ अकेला एक शख्स सच्चाई के साथ इस पाक सरजमीन की तामीर और तरक्की के ख्वाब को हकीकत बनाने की जिद्दोजहद कर रहा था, जबकि दूसरी जानिब ऐशो इशरत के दिलदादा हुक्मरान तबके ने इन्हें हमेशा मजाक का निशाना बनाया कि खिलाड़ियों का काम क्रिकेट खेलना है ना कि सियासत। इन कौमी मुजरिमों की तकब्बुर में बुझी हुई कड़वी कसीरी बातें 22 साल तक तनहा बर्दाश्त करने के बाद भी इस अजीम शख्स की जुबान से एक ही बात सुनाई देती थी कि इंसान सिर्फ कोशिश करता है, कामयाबी वो देता है। आज आंखों में आंसू लिए हुए ये तहरीर बड़ी मेहनत से उस अजीम शख्स के लिए तोहफे के तौर पर लिख रहा हूं जिसे बहुत सारों ने नाकाबले मुआफी दुख दिए। मैं इस मट्टी का एक 11 साल बच्चा हूं, लेकिन मैं इस कम उम्र में भी ये जान गया हूं कि ये शख्स अल्लाह की तरफ से इस पाक सरजमीन के लिए वो नायाब तोहफा है जिसके लिए ये पाक सरजमीन पिछले 70 सालों से इंतजार कर रही थी। वो शख्स जिसने अपनी कामयाबी के उरूज पर कायद आजम को अपना लीडर कहा, एक ऐसा शख्स जिसको गरीब के बच्चे के पेट में उतरने वाले उस नवाले का एहसास हो जिसकी वजह से गरीब के बच्चे की दुरुस्त अफजाइश नहीं होती। ये कौम भी अजीब है, बहुत देर लगा देती है। मैदानों में बर्क रफ्तारी से दौड़ने वाला हमारा खिलाड़ी आज बूढ़ा हो गया है। इस बूढ़े शख्स के पास अब इतना वक्त नहीं बचा
कि अब वो इस पाकिस्तान को रातों रात तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में लाकर खड़ा कर दे। लेकिन इस शख्स को अल्लाह ताला ने अपनी जिंदगी में उन तमाम कौमी मुजरिमों को जो कि इन सब के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, जिसकी नज़ीर पाकिस्तान की तारीख में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये वो लोग थे जो इन्हें हमेशा ये ताना देते थकते नहीं थे कि इन्हें सियासत की कोई समझ बूझ नहीं है। आज सियासत की समझ बूझ रखने वाले घरों में अपने बच्चों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। यही वो नया पाकिस्तान था जिसके बनाने के लिए हर शख्स ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। आज पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं, क्योंकि जो शख्स आज वजारत उस्मा के मनसब पर बैठ गया है वो आज के दौर में कायदे आजम का जानशीन है, जो बैरूनी ताकतों को भी उसकी जुबान में मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, जो पर्ची के बगैर ना सिर्फ लगातार बोल सकता है बल्कि अपने बोल के जादू से बड़े बड़ों के छक्के भी छुड़ा सकता है।